जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। सपा आरएलडी के गठबंधन में दरार के पुख्ता संकेत। जयंत के नेताओं ने ही कर दी तस्वीर साफ। सपा के साथ गठबंधन के नफा नुकसान का आरएलडी कर रही समीक्षा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। निकाय चुनाव विरार ने बढ़ा दी दोस्ती में दूरियां। अपने रूठे नेताओं को संभालने के लिए जयंत ले सकते हैं बड़ा फैसला। साइकिल छोड़ हाथ मिलाने की तैयारी के संकेत। जयंत की बढ़ रही उम्मीदें तो सपा में दिख रही उनसे असंतुष्टि। आरएलडी नेता ने लगा दिया बड़ा आरोप और कह दी चौंकाने वाली बात। उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत सियासी दोस्ती में भी अब दरार देखने को मिल रही है। जो अखिलेश यादव जयंत के लिए भैया और जयंत अखिलेश के लिए सच्चे साथी थे, अब उनमें ही बेवफाई के आरोप लगने का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट सकता है। इसको जयंत ने दो दिन पहले सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता ने ऐसा दावा किया है जिसने सपा आलाकमान को भी हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि आरएलडी को सपा के साथ आने के बाद क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान, इस नफा नुकसान की समीक्षा चल रही है और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि साइकिल की सवारी करनी है या नहीं। इसके अलावा संकेत दिए जा रहे हैं कि जयंत अब हाथ से हाथ मिलाने पर भी विचार कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो आरएलडी खत्म होने की कगार पर थी उसे अखिलेश यादव ने नई पहचान दी और अब वही ऐसा कर रही है, तो ये कड़वी सच्चाई है सियासत की, क्योंकि सियासत अवसरों का अनोखा संगम है। जहां सपा के साथ आकर पहले बीएसपी ने संजीवनी हासिल की और नाता तोड़ लिया, तो अब आरएलडी भी उसी राह पर है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक दल अब 2024 के लिहाज से रणनीति तैयार करने में जुटा है। आरएलडी के पदाधिकारियों की माने तो आरएलडी इस बात पर कर रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के साथ रहने में कितना फायदा और कितना नुकसान है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 2024 से पहले आरएलडी गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला भी कर सकती है। पार्टी ने 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन किया था और 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। गठबंधन और मजबूत हुआ क्योंकि दोनों दलों के प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक दूसरे से मिलते रहे और किसानों के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में जनसभाओं के दौरान मंच साझा भी करते रहे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच ट्यूनिंग सही है, लेकिन अब पार्टी अपने गठबंधन को लेकर समीक्षा भी कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि निकाय चुनाव में आरएलडी और सपा के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता नगर पालिकाओं में अध्यक्षों और नगर सेवकों के चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर अलग हो गए। सूत्रों ने कहा कि आरएलडी और सपा के वरिष्ठ नेताओं ने सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाकर शांति भंग की और सपा ने 4 जगहों पर अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और आरएलडी उम्मीदवार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आरएलडी अभी भी सीट के मुद्दों पर अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और नेताओं के गुस्से का सामना कर रही है और वरिष्ठ नेताओं को निशांत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आरएलडी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व अब शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के परिणामों का आकलन कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सपा के साथ गठबंधन में निकाय चुनाव से पार्टी को कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान। हालांकि आरएलडी के प्रदेश पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से परहेज किया है और इतना ही कहा कि सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी की स्वीकार्यता अब बढ़ गई है। हमें पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन हमारे उम्मीदवारों ने भगवा पार्टी के गढ़ अयोध्या से चुनाव जीता है। हमने इस चुनाव में पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्षदों की 4 दर्जन से अधिक सीटें जीती हैं। ऐसे में हमारा दायरा बढ़ रहा है और ये बढ़ता दायरा ही हमारी ताकत का एहसास करवा रहा है। अब हम सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि प्रदेश स्तर पर हमें पहचान मिल रही है। समीक्षा का दौर जारी है, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच आरएलडी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सपा ने अब तक आरएलडी का सम्मान नहीं किया है। ऐसे में अब जयंत चौधरी कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं के नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि हम अपने विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। जयंत चौधरी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, अगर चीजें ठीक रहती हैं तो आप आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी को 2024 का चुनाव एक साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। आरएलडी नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी और कांग्रेस का राजस्थान में गठबंधन है। एक बार फिर राजस्थान में आरएलडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जयंत चौधरी को बुलाया और स्टेट से राहुल गांधी ने नाम भी लिया। इसे आरएलडी नेता अच्छा संकेत मान रहे हैं। अब देखना यह है कि यह अच्छा संकेत किस तरह से सपा के साथ बने रहने की कवायद पेश करता है या फिर सपा से दूरी कांग्रेस की वजह से जरूरी हो जाएगी।